अगर पालक खाने के शौकीन नहीं या पालक पसंद नहीं तो पालक की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें क्योंकि सभी को बहुत पसंद आने वाली। तो आइए देखते कैसे बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया, उसमें डेढ़ करछी बेसन को लिया है। तो किसी भी करछी से बेसन को नाप ले और डेढ़ करछी ले ले। उसके बाद यहाँ पर आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर को डाला है और आधा चम्मच गरम मसाला को डाला है। आधा चम्मच नमक डालेंगे, नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधे चम्मच देसी अजवाइन को यूज़ किया है और एक चौथा चम्मच हल्दी को डाला है। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से घोल लेंगे ताकि ये लम्स फ्री बैटर बन जाए। तो पानी को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि हमें बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का बैटर होना चाहिए ताकि हमारे जो पालक की रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे, तो हल्का सा पानी मैंने यहाँ पर और डाल दिया है। अब इसे फिर से घोल लेंगे। तो ये देखिए बैटर कुछ इस तरह का होना चाहिए, थक्के के रूप में गिर रहा है। तो हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पालक के पत्तों को लिया है, तो ये कुछ छोटे पत्ते हैं, चाहे तो आप बड़े भी ले सकते हैं। आप पत्ते में आगे पीछे अच्छे से बेसन से इसे कवर कर लेंगे। कोशिश ये करें कि पालक जो है इसमें दिखाई ना दे। तो देखिए खूब अच्छे से इसे कवर कर लिया है। दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, अब इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमें एकदम से करछी को इसे टच नहीं करना है, नहीं तो जो है बेसन है कच्चा रहेगा, वो उस करछी पर चिपक जाएगा। इसी तरह से दूसरे पालक के पत्तों को भी फ्राई कर लेंगे। तो जब ये हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे, जब ये नीचे से अच्छा गोल्डन कलर का हो जाएगा तो इसे पलट लेंगे। तो उलटते पलटते हमें इसे अच्छा गोल्डन कलर का होने तक फ्राई करना है। तो जो पालक के पकौड़े देखिए कितने गुब्बारे की तरह फूल कर तैयार होंगे और हमारा एक एक पकौड़ा इसी तरह गुब्बारे की तरह फूल कर और क्रंची बनकर तैयार होगा। तो देखिए ना मैं इसमें मीठा सोडा डाला है ना ही कोई और चीज़ डाली है, बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको बैटर किस तरह का घोलना है। ये देखिए कितना बढ़िया ये फूल कर तैयार हुआ है और देखिए आगे पीछे से बहुत ही बढ़िया फूला है। इसी तरह से हम सारे पालक के पकौड़े जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फिर से इसी तरह से पालक के पत्तों को अच्छे से बेसन में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपका बैटर जो है अच्छे से घुला होगा, ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा, तो आपके भी पालक के पकौड़े एकदम गुब्बारे की तरह फूले फूले तैयार होंगे। तो जब ये नीचे से गोल्डन जाए फिर से इन्हें उलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें प्लेट पर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, जितने बढ़िया देखने में लग रहे हैं उससे बढ़िया खाने में लगेंगे। तो हमारा एक एक पकौड़ा बहुत ही बढ़िया क्रंची फूला फूला बनकर तैयार होगा। ये देखिए कितना बढ़िया फूला हुआ तैयार हुआ है। तो अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते तो आप इस तरह से पालक के पकौड़ों को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जब मेरे बच्चों ने ये पकौड़े खाए तो उन्हें पता ही नहीं चला कि मैंने पालक के पकौड़े बनाए हैं। तो देखिए कितने अच्छे से फूले हुए कवर हो रखे हैं बेसन से। तो आप इस तरह से इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चे और परिवार को ज़रूर खिलाएं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।